हाँ तो जैसे कि हमने पता देख रहा है आगे कि आपका एकदम कड़क स्वभाव है, आपको कभी मारा मारी में देखा नहीं है, आप आज उतर आए। हाँ वैसे मेरा स्वभाव काफ़ी शांत है जी। हाँ लेकिन उस शांत वेल एक्चुअली शादी का सीज़न है, घर पे शादी हो रही है नैना और राहुल की, उसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। बड़े सब के बीच में पूजा संगीत के बाद से गायब है, वो किसी की तलाश में, और पूजा का फ़ोन स्विच ऑफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ पहुँची है। लेकिन एक एड्रेस नरेन को पता चला है और वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, उतने में गाड़ी आती है, उसका रास्ता रोक देती है। गाड़ी में से एक इंसान उतरता है जो नरेन का ही मास्क पहन के खड़ा है और बंदूक तानता है। तो हाँ दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है और पता चलता है कि वो और कोई नहीं तो अनुज ही है और वो बदला लेना चाह रहा है। तो हाँ काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ से तो निकल गए, अब पहुँचना है पूजा के पास, देखते हैं कैसे और किस हालत में है वो। जीजा और साले का जो रिलेशन होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब जो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही रिलेशन दिख रहा है आप दोनों का, जो एक आमना सामना फेस ऑफ हुआ है। जी हाँ जिया सारे का तो काफ़ी हद तक अच्छा ही रिलेशन होता है, बट जिस तरीके से इस जीजे ने उसके बहन के साथ बर्ताव किया है, आई थिंक कोई भी भाई होता तो उसे उतना ही गुस्सा आता और उसका रिएक्शन ऐसे ही कुछ होता। तो इसलिए नरेन वो जानते हैं कि नरेन अनुज का गुस्सा काफ़ी जायज़ है, इसलिए वो किसी और गुंडों की तरह उसे मारना भी नहीं चाह रहा, वो उसे वहाँ से निकलना चाह रहा ताकि वो पूजा के पास पहुँच सके। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ रिटेलिएशन जस्ट दैट ही कैन गो, वो हाथ उठाना पड़ रहा है उसे। कुछ भी हो उसका एंड पूजा ही होती है, मतलब जो अगर कुछ पाना हो तो पूजा के लिए, पूजा को पाना हो, कुछ अगर करना हो तो पूजा के लिए। नरेन का मतलब जो एक जो एंड दिखता है वो पूजा की ही तरफ दिखता है, मतलब कब तक चलेगा ये अकेला, अभी फिर से गोली। अब मैं अकेला थोड़ी ना हूँ यार, मेरे से बहुत सारे हैं, जहाँ रब दिख जाता है वहीं फिर सब कुछ वहीं पे रिवॉल्व होता है। और वही नरेन की ज़िंदगी में सिर्फ दो औरतें हैं जो सबसे ज़्यादा उसे मायने रखती है, एक है उसकी माँ, दूसरी है पूजा, और दोनों के बीच में जब वो फंसता है तो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। तो हाँ फिलहाल सिचुएशन भी ऐसा ही है कि एक तरफ पूजा है, दूसरी तरफ माँ, अपना ही उनका चल रहा है। तो हाँ देखते हैं एंड में, इसमें कोई जीत या हार नहीं है, बट हाँ जब सच्चाई नरेन के सामने आएगी तब काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ सिचुएशन। शीन बहुत बहुत स्वागत, सबसे पहले थैंक यू। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब यू नो जो ये मर्दानी रूप जो आपने दिखाया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? आज टोटॉन सर जो हमारे डायरेक्टर है वो भी बोल रहे थे वुमेंस डे स्पेशल सीन है कर लो आज, तो हाँ इट्स ऑलवेज फाइट सीक्वेंस इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड एवरीबडी एन्जॉयज ऑन द सेट, एंड जो हमारे मास्टर जी हैं वो भी खूब यू नो जोश में सीन बताते हैं, ऐसा लगता है कोई साउथ की फिल्म कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वैसे ही सीन होते हैं हम लोगों के फाइटिंग सीन्स भी। वैसे हमने देखा भी साड़ी, यू नो अपने पल्लू एकदम से बांध रखा है एंड यू नो ऐसे हॉकी स्टिक से यू वर फाइटिंग विद द गून्स, रीज़न जानना चाहेंगे ये सब क्यों हो रहा था, मतलब सुरभि को किसने बचाया जा रहा था, क्या हो रहा था? साड़ी बांधने का रीज़न तो ये होगा कि भाई गुस्से में जब भी लड़की आती है कुछ सीरियस टॉपिक होता है तो साड़ी सबसे पहले, और बाल में जूड़ा नहीं बनाया लेकिन साड़ी बांध ली है क्योंकि आज जो है सुरभि को बचाना है। और पहले तो टू माई सरप्राइज़ पूजा देखती है कि वहाँ कोई 16 नंबर गाला में वो पहुँच चुकी है और यहाँ पे उसको नैना के जो ओके हाँ सो पूजा जो है वो दरियागंज के गाला नंबर 16 में पहुँच चुकी है और वहाँ पे उसको राज मिलने वाला है, जीजी का ऐसा राज जिसकी वजह से शादी रुक सकती है जो पूजा चाहती है। तो वहाँ जाती है तो पूजा के लिए भी बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग है कि वहाँ पे सुरभि को किडनैप करके रखा हुआ है, और उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि सुरभि जो है शी इज़ कैरिंग राहुल का बेबी एंड दैट टू 6 मंथ्स, और उनके साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है, उनको बांध के रखा गया है। कुछ ना कुछ जीजी का ही प्लान है क्योंकि गूंज को सुनते हुए पूजा ने भी सुन लिया है गूंज को कि जीजी का ही कोई प्लान है, तो अभी वो बचाना चाहती हैं उनको, और जो वहाँ पे लोग हैं जिनको अपॉइंट किया है उन्होंने नैना ने, उनसे फाइट कर रही है पूजा ताकि संभाल के और अच्छे से सुरभि को जो है व्यास हॉल तक, व्यास मैंशन तक पहुँचा पाए, शादी तक पहुँचा पाए। थैंक यू।